क्लास सेवेंथ, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ। वन का हम लेते हैं, जैसे पहला ले लेते हैं, फर्स्ट 4/6 डिवाइड बाय 1/6। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें पहला काम आपको क्या करना है, डिवाइड साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो 4/6 क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, 1/6 है डिवाइजर। जैसे डिवाइड साइन को चेंज करोगे तो 1/6 को फर्क पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 1/6 का। तो 4/6 हमें कुछ नहीं करना है, 4/6 हमें डिवाइड साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। देख लो, डिवाइड साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/6 का उल्टा लिखना पड़ेगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई में क्या करना है, दो रेस्टोरेंट को मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया था, 6 ऊपर है नीचे भी है, दोनों 6 से डिवाइड होता है, दोनों को 6 से डिवाइड कर दो। 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 6 को 6 से डिवाइड किया इधर भी तो 1 आया। ठीक है, अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 नीचे को नीचे से 1 × 1, 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें करना है सॉल्व, इस तरह से सॉल्व करना है आपको। एक और देखते हैं, देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 8/12 डिवाइड बाय 3/7। यहाँ पे 3/7 डिवाइजर है, तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइजन को चेंज करोगे मंडला में, तो 3/7 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका इनवर्स उल्टा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। 8/12 मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया डिवाइड को, तो 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, अब काटेंगे तो 7 और 3 किसी भी के कॉमन, किसी और इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 12 का भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 और 12 का है क्या, यस है, तो 8 और 12 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा। 12 को भी 4 से डिवाइड कर दो, दोनों को 4 से ही डिवाइड करना है, 12 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे नीचे नहीं कटता है और ऊपर ऊपर नहीं कटता है, तो ऊपर नीचे अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, 2 और 3 किसी भी के नंबर के कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब शुरू करते हैं, ऊपर को ऊपर समझा, 2 × 7 = 14 और 3 × 3 = 9, ये ऐसे आंसर आ गया। अब इसको हम QRD फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ QRD फॉर्म में कर सकते हैं। 14 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, रफ फॉर्म दिखा देंगे, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, 14 को 9 से आप डिवाइड कर दो, 9 × 9 रिमाइंडर क्या है, 5। 1 को बोलते हैं क्यू, तो QRD फॉर्म में लिख देंगे, आपका आंसर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 5 ऊपर रहेगा डिवाइड बाय 9, वो QRD फॉर्म इसे बोलते हैं, ये आंसर इस तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में ये बोल रहा है, ये भी सेम ही है, डिवाइड कर रहे हैं, बस मिक्स फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, मिक्स फ्रैक्शन में मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 में सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का हम करते हैं फिफ्थ करके बता देता हूँ, सभी सेम ही है, फिफ्थ लेते हैं, 3 / 2 / 1/3। तो 2 / 1/3 को पहले P/Q फॉर्म में करेंगे, रेशनल फॉर्म में, 3 को 3/1 लिख सकते हो आप, डिवाइड साइन को रहने दो, अभी पहले QRD फॉर्म में करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 3 रहेगा, उधर ऊपर भी 3 नीचे, नीचे इधर भी 3 नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है, ये फिक्स रहेंगे। आगे चलते हैं, 3/1 हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 × 3 = 6 + 1 = 7/3 हो गया। ठीक है, अब हम
साइन चेंज करेंगे डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में, तो 3/1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है डिवाइजर ये चेंज होगा, जगह 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ गया। अब कर कुछ भी नहीं करता, ऊपर नीचे कुछ नहीं करता, नीचे 7 है तो ऊपर 3 है, दोनों किसी के टेबल नहीं, कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते हैं तो नहीं कटेगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 और 7 1 7 9/7 आ गया। अब इसको क्यू आर डी फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि रफ वर्क दिखा देंगे, इक्वल टू यहाँ पर आंसर लिख देंगे, जैसे 9 को डिवाइड करना है 7 से, 7 1 7 है, माइनस किया तो क्या आया 2। तो क्यू आर डी फॉर्म में आगे पहले 1 आएगा कोसेंट, डिवाइड साइन के ऊपर रहेगा 2, रिमाइंडर आएगा ऊपर और नीचे आएगा डिवाइड 7 1/7 आंसर। इस तरह से आपको करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइव डिवाइड बाय 3/4/7, तो इसको भी करते हैं। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड साइन अभी चेंज नहीं करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जिस पहले भी बताया था मैंने अभी, और ऊपर वाले नंबर रिमाइंडर को प्लस करते हैं, 4 को रिमाइंडर कहा जाता है क्यू आर डी फॉर्म में, 4 को प्लस कर देंगे और 7 नीचे था नीचे रहेगा इधर, ठीक है। शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5/1 ऐसे रहेगा, डिवाइड साइन 3 7 21, 21 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बॉय ब्रैकेट लगेगा, 3 7 21, फिर प्लस करेंगे 4, 21 + 4 25 25/7 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम इसको मल्टी डिवाइसन को चेंज कर देंगे, 5/1 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, ठीक है। 5 और 25 एक ही नंबर के टेबल में आता है, वो है 5, दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, अब नहीं कटेगा। 7 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो छोड़ देंगे, 7 1 7 ऊपर को ऊपर सिमटला है, नीचे को नीचे सिमटला है, 5 5, ये आ गया आंसर। अब क्यू आर डी फॉर्म में लिख दें इसको, 7 को 5 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आंसर लिख देंगे, 7 को डिवाइड करके रफ और ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डिवाइड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड में लिख सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, 5 7 5 1 5, 7 को में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो क्यू आर डी फॉर्म पहले 1 आएगा, डिवाइसन के ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर 2 है, 2 पर रहेगा और डिवाइजर 5 नीचे रहेगा, क्यू आर डी फॉर्म में लिख देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, वही सेम है, डिवाइड है, खाली मिक्स पैसन पहले आ गया, होल नंबर बाद में आया, तो अब इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th इसको करते हैं, 3 1/2 डिवाइड बाय 14। तो मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, शुरू किया जाए, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस ऊपर जो नंबर है 1 है उनको ऊपर वाले को प्लस करना है और 2 नीचे नीचे रहेगा, ऐसे कैसे डिवाइजर ऐसे कैसे रहेगा। इस तरह से हम फॉर्म को चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को PYQ फॉर्म में चेंज करें, 14/1 कर दे उसको और शुरू करते हैं। यहाँ पर हो गया 3 2 6, 6 + 1 7/2 हो गया, यहाँ पे 7/2 डिवाइड साइन 14/1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब साइन को हम चेंज कर देंगे, डिवाइड साइन को चेंज करेंगे, 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर 14 नीचे। अब इसमें देखना 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो काट के लिख देंगे 1, आंसर 1 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो काट के लिख देंगे, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो दोनों को 7 से डिवाइड करके जो आंसर है लिख दिया काट के उनके जगह में। अब ऊपर को पर्सन मतलब 1 1 1 और ये 2 2 4, ये आंसर आ गया। इसमें डिवाइड नहीं करना है आपको, क्यू आर डी फॉर्म में मिक्स पर्सन नहीं लिखना है क्योंकि 1 छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे प्रॉपर। नेक्स्ट इसी का हम एक और लेते हैं, 3 का 6,
12 ओम बाय 3 डिवाइड बाय 148। तो इसको करते हैं, पहले क्यू आर डी फॉर्म में चेंज, पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड साइन 148 बाय 1 लिख दो। अब इसको चेंज करें, आगे बढ़ते हैं। 12 थ्री जा 36 प्लस 1 37 बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे 37 बाय 3 लिख देंगे। अब इसको चेंज करेंगे फॉर्म को, 37 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 148। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखते हैं 37 के टेबल में 140 डाटा कि नहीं। देखो 37 फोर जा कितना होता है, देख लो 37 फोर जा 7 फोर जा 28 टू कैरी 14 140 आता है। तो दोनों को 37 से डिवाइड कर देंगे, 37 वन जा 37 वन आ गया और 37 फोर जा 148। तो आपका आंसर आने वाला है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे आप 1 वन जा 1, ऊपर में 1 को 1 से मतलब तो 1 वन जा 1 और नीचे में 3 फोर जा 12 1 बाई 12 आंसर आ गया। खत्म। इस तरह से करना, ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आंसर आ गया इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में भी ये डिवाइड है, बोथ आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर पर रैशनल नंबर से करते हैं एक, और एक मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं। तो हाँ, दोनों दिखा देते हैं आपको, तो सेम ही तरीका बेटा, सब कुछ सेम है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर का जैसे आपको मैं इसमें अब एक कर देते हैं तो आपको समझ में तो आ ही गया है, बस फिफ्थ कर लेते हैं, बाकी सब इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। 3 1/5 डिवाइड बाय 1 2/3 1 2/3 इसको करते हैं। तो पहले पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 रहेगा, ये डिवाइड साइन लिख देंगे। इसको भी कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 और नीचे 3 रहेगा, डिवाइजर नीचे रहेगा। और इसका आंसर क्या आ गया आपका, आ गया 3 5 15 प्लस 1 16, ये हो गया 16/5। डिवाइड साइन देते हैं यहाँ पे, और ये 3 1 3 प्लस 2 5/3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देख लें इसको ध्यान से, ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे, जो भी प्लस है वो प्लस करेंगे बाद में, बॉर्ड में सूल अप्लाई करेंगे। 3 5 15 प्लस 1 16/5 आ गया, 3 1 3 प्लस 2 5/3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिवाइजन को चेंज कर देंगे, 16/5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइजर चेंज, इसमें डिवाइजर चेंज होता है, 3 रेसिप्रोकल नंबर 3 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, सिर्फ ये ही नंबर बेटा चेंज होता है और कोई नंबर चेंज होता है। ठीक है ना, 5/3 चेंज होगा, उसका उल्टा फर्क नहीं पड़ता, 16/5 कोई फर्क नहीं पड़ता है डिवाइजन को चेंज करने से। अब कटेगा, कोई कटेगा क्या, 3 और 5 दोनों एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, 16 और 5 भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 16 3 जा आप मल्टर कर देंगे, ठीक है ना, और 5 5 जा मल्टर कर देंगे, 48/5 25 ये आ गया। ठीक है, तो अब ये आप डिवाइड करके क्यू आर डी फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर आपका आंसर आ गया। ठीक है, 48/25 को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 48/25 को डिवाइड करने से क्या आता है दिखा देता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख देंगे और 48/25 को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डिवाइड करते हुए, 48/25 से 25 1 जा 25 माइनस करेंगे तो आएगा 5 में से 5 गया 3 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, 1 23 ऊपर रहेगा रिमाइंडर और 25 डिवाइजर नीचे रहेगा, आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका ख़त्म, आज के लिए इतना ही बेटा, कल आगे।